वेलकम फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों रखती है, कंट्रोलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कीप ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक। जैसा मैंने कैरेक्टरिस्टिक में आपके साथ डिस्कस किया था, ब्रेक ब्रेक देखो आपको राइट ट्रैक पर रखती है। मान लीजिए आप व्हीकल चला रहे हैं और वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं, अपना स्टेयरिंग सीधा करते हैं और गाड़ी को राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। सेम वे हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करने में कंट्रोलिंग हमारी हेल्प करती है। मान लीजिए हम लोग डेविएशंस कर रहे हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड है हम उससे कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग करने से हमें हमारा फ़र्क पता चल जाता है कि फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, और अगर हम उस फ़र्क को ठीक कर लें तो हम अपने आप को राइट ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, टीचर आपके स्कूल में क्या होते हैं, वो कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके लिए, आपको चेक करते हैं, आपके गोल को टारगेट करते हैं और आपको राइट ट्रैक पर लेकर के जाते हैं, राइट। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा था चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ नीडेड चेंजेस। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि हम टारगेट बहुत हाई रख लेते हैं, तो हो सकता है वो टारगेट ही गलत हो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमने टारगेट डिसाइड कर लिया तो वो अचीव करना ही करना है, मे बी शायद टारगेट रॉन्ग हो, आपके लिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया परफॉर्म करने के लिए वो बहुत हाई हो। तो यहाँ पर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, देखो जो हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को रखते हुए स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं, कई बार वो स्टैंडर्ड हाई रखा चला जाता है गलती से बाय डिफॉल्ट। तो कंट्रोलिंग हेल्प करती है ये चेक करने के लिए कि जो स्टैंडर्ड आपने प्लानिंग के टाइम पर फिक्स किया था वो सही है कि नहीं है। आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि आपको 100 में से 90 नंबर लाने हैं, बट आप उसके कैपेबल नहीं हैं, उसके आपकी आपके पहले मार्क्स आते थे 40-50 के आसपास, अब एकदम से 90 एक्सपेक्ट कर लें आपसे, तो स्टैंडर्ड बहुत हाई रख लिया ना, वो गलत है। स्टैंडर्ड धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाता है, एकदम से नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग का फ़ायदा क्या है बेटा, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी आप स्टैंडर्ड्स को भी चेक कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और जो चेंजेस ज़रूरत हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो ये टीचर का रोल है, उनको चेक करना चाहिए कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स वो लेकर के आना चाहिए आएगा। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो कंट्रोलिंग से एक फ़ायदा और क्या होता है कि आप यू रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो जब भी आप कंट्रोलिंग करोगे तो आपको नज़र आएगा कि कहाँ पर वेस्टेज हो रही है, कहाँ पर रिसोर्सेज स्पॉइल्ड हो रहे हैं, जहाँ पर कहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, डिविएशन आएगा, आप उस कंट्रोलिंग से उसको रोकोगे, वेस्टेज को कम करोगे, स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज को कम करोगे। तो अगर आपने वेस्ट को रिड्यूस कर दिया, स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियसली आप एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हो। एक टीचर का भी रोल है कि बच्चों में कोशिश करे कि कम से कम उनका नुकसान हो, बच्चा कम से कम दिक्कत में आए और अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए, जो भी बच्चे की क्वालिटी है उसको बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए। तो ये था तीसरा फायदा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। चौथा आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एनश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन इम्प्रूव कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एग्ज़ाम देते हैं, मैंने इसको एग्ज़ाम्स को कंट्रोलिंग से रिलेट किया था कि एग्ज़ाम्स भी कंट्रोलिंग की तरह होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब एग्ज़ाम में बड़े अच्छे नंबर आते हैं तो कितनी खुशी होती है ना, मोटिवेशन आता है कि नहीं आता बताओ। ऐसे ही एम्प्लॉय का हमने टारगेट सेट किया कि उसको एक दिन में 20 यूनिट बनानी है, और अगर वो मान लो 21 या 22 यूनिट बना ले, उसको कितनी खुशी होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग एक डंडे की तरह है जो पीछे पड़ जाते हैं, कंट्रोलिंग से मोटिवेशन भी आता है जब आप उस स्टैंडर्ड को, उस टारगेट को पूरा कर लेते हो। तो मोटिवेशन इम्प्रूव्स, सॉरी इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑल्सो, इसका चौथा फायदा है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। पांचवा फायदा क्या है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कीप्स ए क्लोज चेक ऑन एम्प्लॉयज एक्टिविटीज। देखो ऑर्डर और डिसिप्लिन तो कंट्रोलिंग से ही परफॉर्म होगा। स्कूल में स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, कंट्रोलिंग नहीं होगी, ऑर्डर नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा,
तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग होती है, चेकिंग होती है, टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, तभी बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने पढ़ाई करी कि मस्ती करी। तो कंट्रोलिंग का ये फायदा होता है बेटे, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। ऐसे ही आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके टारगेट सेट किए जाते हैं, अगर वो टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो काम चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई तो रीज़न होगा ना। जब बाकी लोग स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो 20 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, और 18 लोग अपनी यूनिट्स प्रॉपर बना पा रहे हैं 20 यूनिट पर डे की, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो बना नहीं पाते, इसका मतलब या तो वो काम चोरी करते होंगे, ऑर्डर फॉलो नहीं करते होंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते होंगे। तो उससे क्लोज चेक हो जाता है कि कौन कौन ऐसा पर्सन है जो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा और काम चोरी कर रहा है। टीचर भी ऐसे ही पकड़ते हैं आपको, क्या करें। बेस्ट वे। नेक्स्ट आता है, हेल्प्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स। देखो कंट्रोलिंग जो है कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से बांध के रखती है, गूंथ के रखती है। कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको भी पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग जो होती है उस कोऑर्डिनेशन को एक्शन में लेकर के आती है, रिदम में लेकर के आती है, आपको मैं बताऊं, ठीक है। इससे डायरेक्शन मिलती है सारी एक्टिविटीज़ को कि कौन सी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा तेज करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा और हमें रीज़न लगता है कि उसके पास ट्रेनिंग की कमी है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, उसका डेवलपमेंट करके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो टीचर भी ऐसे ही करते हैं स्कूल के, वो चेक करते हैं कि कौन से बच्चे में कमी है, क्यों कमी है। अब मान लीजिए एक बच्चा लिखने में उसकी स्पीड कम है, तो टीचर दूसरा बच्चा जिसकी स्पीड अच्छी है उसको बोलते हैं कि आप अपनी कॉपी इनको दे दो काम करने के लिए, ताकि कोऑर्डिनेशन किया जा सके, एक्शंस में सारे बच्चे बराबर आ सकें। एम आई राइट? तो ये हैं हमारे 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑन द एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स। बेटे ये सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको नोट करने हैं, ठीक है, अच्छे से 6 के 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो चलें किसके पास? टीचर के पास। ओ बाप रे बाप, क्या कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टीचर, माय गॉड। है ना, हर जगह टीचर ही टीचर नजर आता है ना, जहां देखो टीचर। टी से टोटल डिसिप्लिन, ई से एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ गोल, ए से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, सी से कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एच से हायर मोटिवेशन, ई से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और आज से बेटा कोई वर्ड नहीं बनता, आर का मतलब है रिलैक्स हो जाओ। टीचर्स आपके फायदे के लिए होते हैं, आपको बेटर ह्यूमन बींग बनाने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है। तो आर से कोई वर्ड नहीं बनता और कोई भी हमारी इंपॉर्टेंस शो नहीं होती है, जस्ट एक वर्ड को कवर करने के लिए हमने आर को जोड़ दिया था। सो गेट रिलैक्स, रिलैक्स लिख करके उसको काट दीजिएगा कि आर का आपको कोई भी वर्ड याद नहीं करना, ठीक है। टी से टोटल डिसिप्लिन, ई से एंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ गोल, ए से एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, सी से कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, और एच से हायर मोटिवेशन, ई से एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और आर से रिलैक्स, ठीक है। गेट रिलैक्स। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, टेक केयर, बाय बाय।